सर्व कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर करनाल के राजीव गांधी विद्युत केंद्र सेक्टर 12 में सरकार द्वारा कर्मचारियों की मानी गई मांगों को लागू नहीं किए जाने के विरोध स्वरूप रोष प्रदर्शन किया गया और लघु सचिवालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा महासंघ के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की गई थी जिसमें सभी मांगे मान ली गई थी, परंतु छुटपुट मांगे लागू करने के सिवाय सरकार द्वारा बाकी कोई भी मांग पूरी नहीं की गई है, जिसमें कर्मचारियों को पक्का करना, एक्स ग्रेशिया पॉलिसी लागू करना, नए कर्मचारी भर्ती करना, समान वेतन देने की पॉलिसी के अलावा अन्य काफी मांगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा पूरी नहीं की गई है, जिसके विरोध में आज हरियाणा सरकार के सभी मुख्यालयों पर महासंघ की ओर से धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं और सरकार को चेताया जा रहा है कि अगर कर्मचारियों के हितों की रक्षा नहीं की गई तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष और पक्ष कोई भी कर्मचारियों के हितकारी नीतियों को लागू नहीं कर रहे हैं बल्कि अनदेखा कर रहे हैं, जिसका परिणाम आने वाले चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा। इस मौके पर सर्व कर्मचारी महासंघ एवं बिजली वितरण निगम संघ के सदस्य व पदाधिकारी मौजूद रहे। और आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हरियाणा कर्मचारी महासंघ को मुख्यमंत्री हरियाणा ने 20 जुलाई को हरियाणा निवास चंडीगढ़ पर कर्मचारियों की डिमांडों को बातचीत के द्वारा हल करने के लिए आमंत्रित किया था और मुख्यमंत्री से कर्मचारी महासंघ की केंद्रीय परिषद की केंद्रीय शिष्टमंडल की लगभग 2.25 घंटे पूरी वार्ता चली, जिसमें शिष्टमंडल ने मांग रखी कि आपके घोषणा पत्र में वादे किए गए थे कि टर्म अपॉइंटमेंट सहित पंचायती राज सहित डीसी रेट के सभी कच्चे कर्मचारियों को एक क्रम से पक्का करने का वादा किया गया था। मुख्यमंत्री जी को याद करवाया कि आपने कहा था कि विभागों में जो खाली पड़े पद हैं उन पर नियमित भर्ती करी जाएगी और बंद पड़ी प्रमोशन प्रणाली को बहाल किया जाएगा, पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाएगा, पुरानी एक्स ग्रेशिया पॉलिसी को बहाल किया जाएगा, तकनीकी वेतनमान लागू किया जाएगा और घोषणा पत्र में यहाँ तक वादे किए गए थे कि लाखों लाखों पद जो विभागों में खाली पड़े उन पर नियमित भर्ती द्वारा बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन आज 20 तारीख को कुछ छूटपुट मांगों पर सहमति दर्ज की गई थी, जबकि हमारा एचआरए 7th पे कमीशन जनवरी 2016 से लागू हुआ तब से हमारा एचआरए बनता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने अगस्त 2019 से एचआरए का परिपत्र जारी करके कर्मचारी विरोधी होने का ये सबूत पेश किया गया। हमारी मांग थी कि मेडिकल कैशलेस सुविधा इंडोर में लागू की जाए, ये जल व मल व्यवस्था जो निगमों को दी गई इसको वापस लिया जाए, किलोमीटर स्कीम के तहत जो रूट परमिट रोडवेज के दिए गए इनको निरस्त किया जाए आदि आदि सभी मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी की कथनी और करनी में भारी अंतर पाया गया और वहां पर मीटिंग के एकदम तुरंत हमने ये घोषणा की थी यदि मानी गई मांगों पर और जिन मांगों पर चर्चा हुई है यदि समान काम समान वेतन पार्ट 1 और पार्ट 2 के सभी कर्मचारियों पर और इन मांगों पर मुख्यमंत्री जी ने 30-31 तारीख तक कोई परिपत्र जारी नहीं किया तो हरियाणा कर्मचारी महासंघ का प्रत्येक विभाग का कर्मचारी हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन यानी कि 2 अगस्त को सभी जिला हेडक्वार्टर पर उपायुक्तों के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा को ज्ञापन देने का काम करेगा। आज आपके माध्यम से हरियाणा सरकार को कोई अपील और दलील नहीं, साफ शब्दों में चेतावनी देते हैं कि हरियाणा सरकार या तो घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को प्रमुखता से लागू करे, बने गई मांगों के परिपत्र अतिशीघ्र जारी करे, अन्यथा हरियाणा कर्मचारी महासंघ एक ऐसा संगठन है जो सभी कच्चे और पक्के कर्मचारियों का सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। अंत में मुख्यमंत्री जी हरियाणा कर्मचारी महासंघ कभी ऐसा ना हो कि आने वाले विधानसभा के चुनाव नजदीक है कभी कर्मचारी को सरकार में आस्था न रखते हुए नाटों का भी प्रयोग करना पड़े उसमें भी गुरेज नहीं करेंगे। आपके माध्यम से सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों से अपील कि विधानसभा के मानसून सत्र में कर्मचारियों की डिमांडों के लिए सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए
पुरानी एक्यूरेसिया पॉलिसी लागू करने के लिए, तकनीकी वेतनमान बहाल करने के लिए, आदि आदि मुद्दों पर कैशलेस मेडिकल सुविधा पूर्ण रूप से इंडोर लागू करने के लिए, सभी मुद्दों पर विधानसभा सेशन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक सभी इस मांगों को पूरा करने का काम करें, ऑर्डिनेंस लाकर कानून बनाकर लागू करें। ये जो मुख्यमंत्री जी ने कमीशन कर्मचारियों के जो केस होते थे हाई कोर्ट की बजाय करनाल में स्थापित किया, ये कर्मचारियों को एक स्टेप और देरी से मिलेगा न्याय, क्यों कमीशन के बाद हाई कोर्ट में जाने के लिए कर्मचारी मजबूर होगा, इसकी भी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आपके माध्यम से यदि हरियाणा कर्मचारी महासंघ को बातचीत के द्वारा मानी गई मांगों को निरंतर धरातल पर लागू नहीं किया तो आने वाले समय में अतिशीघ्र वार्ता समिति की मीटिंग बुलाकर जिसमें आने वाले कमिश्नर चारों कमिश्नरियों को ज्ञापन प्रेषित करेंगे और यदि मुख्यमंत्री के ओएसडी कैंप कार्यालय का करनाल में घेराव भी करना पड़े हरियाणा कर्मचारी महासंघ उसमें भी पीछे नहीं हटेगा। चुनाव में क्या भूमिका रहेगी आपकी? यदि भारतीय जनता पार्टी की सत्तासीन प्रदेश व केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के साथ ऐसे ही कुठराघात करने का काम किया, कर्मचारियों की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, तो कर्मचारी हरियाणा कर्मचारी महासंघ इस चुनाव में विधानसभा के चुनाव में विपक्ष के भी विधायक आज कर्मचारियों की मांगों को उठाने में नाकाम है। हम नाटो का प्रयोग करने के लिए भी विवश हो गए जो लोकतंत्र का गला घोटने का ये काम कर रही है सरकार। अभी आज सभी जिला हेडक्वार्टर पर हरियाणा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम ज्ञापन का कार्यक्रम है। नेक्स्ट वीक कर्मचारी महासंघ की वार्ता समिति की मीटिंग होगी और इसी माह में कमिश्नरी के प्रोग्राम आपके बीच में होंगे और ये साफ शब्दों में हमारी चेतावनी है। आज मुख्यमंत्री से 5 साल का समय लगभग होने जा रहा और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा पत्र को टच तक नहीं किया। कर्मचारियों को आज तक कोई एक बिल्कुल कोई आर्थिक मदद, कैशलेस मेडिकल सुविधा, रिस्क अलाउंस आदि बहुत गंभीर मसले हैं, कोई भी देने का काम नहीं किया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।